स्वागत है दोस्तों उदयपुर प्रॉपर्टी ग्रुप के एक और नए वीडियो के अंदर। जैसा कि आपने रील के अंदर देखा, 30 लाख के बजट के अंदर मकान लेकर आए हैं, वो भी उदयपुर सलूम्बर उदयपुर बांसवाड़ा जयसमंद रोड के ऊपर। 30 लाख की बजट में एसडीओ कन्वर्टेड मकान आपको मिल जाता है। डिजाइन एलिवेशन मेरे पीछे आप देख सकते हो। लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो डाकन कोटड़ा के अंदर ये मकान रहने वाला है। एरिया की बात करूं तो लगभग 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है। एग्जैक्ट एरिया की बात करें तो 980 स्क्वायर फीट का एरिया रहने वाला है। ये मकान जो है ये 2 BHK मकान है। डिजाइन एलिवेशन आप देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत डिजाइन एलिवेशन दिया गया है। ऊपर के लिए जो सीढ़ियां हैं स्टेयरकेस वो आपको बाहर से दिया गया, वो भी आयरन का बहुत ही मजबूत स्टील के साथ में दिया गया है। शानदार डिजाइन एलिवेशन है। बड़ा सा आयरन गेट आपको देखने को मिल जाता है। बड़ी पार्किंग आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। बड़ा सा पार्किंग एरिया यहां पर आपको देखने को मिल जाता है। इस मकान के अंदर बड़ा सा पार्किंग एरिया यहां पर आपको देखने को मिल जाता है। पूरा बड़ा सा आपको बरामदा यहां पर देखने को मिलता है। वाटर टैंक और बोरवेल का प्रोविजन आपको इस मकान के अंदर मिल जाता है। फ्रंट साइड पर यहां पर बड़े से पार्किंग एरिया के साथ में बोरवेल का पॉइंट यहां पर दिया गया है। साथ में वाटर टैंक का प्रोविजन दिया गया है। सेफ्टी टैंक पूरा कवर किया गया है। मकान के अंदर एंट्री की बात करें तो ये मेन गेट एंट्रेंस का रहने वाला है, जिसके अंदर आपको डबल डोर का प्रोविजन मिल जाता है। एक आपको बढ़िया शानदार सा वुडन आयरन मैश के साथ में डोर मिलता है, दूसरा आपको मेन डोर मिल जाता है वुडन का। सामने फ्रंट साइड पर ग्लास की विंडोज दी गई है। बहुत ही शानदार मकान है। इस मकान के बाहर के पोर्च एरिया के अंदर ही आपको वॉशिंग मशीन के लिए पॉइंट दिया गया है। इस मकान का अब डिटेल वीडियो आपको अंदर से भी दिखाते हैं। जैसा कि मैंने मेंशन किया था, आपको एक डोर मिल जाता है आयरन मैश के साथ में, सेकंड डोर आपको मिल जाता है फ्लश डोर। इस मकान की यहां से आपको मेन एंट्री मिलती है। एंटर करते ही आप एक बड़े से हॉल के अंदर एंटर करते हो। जैसे ही आप हॉल के अंदर एंटर करते हैं, बहुत ही शानदार अच्छी साइज का आपको हॉल देखने को मिल जाता है। ऊपर पीओपी वगैरह का वर्क किया गया है। बहुत ही खूबसूरत फॉल सीलिंग का वर्क किया गया है। सिंक का पॉइंट आपको अंदर ही देखने को मिल जाता है। सामने आपको सिंक का प्रोविजन दिया गया है और बैक साइड में आपको कॉमन लाइट बाथ मिल जाता है। इंडियन टॉयलेट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। हॉल के साथ में ही अटैच आपको यहाँ पर एक बड़ा सा किचन देखने को मिलता है। क्योंकि ये ईस्ट फेसिंग मकान है तो यहाँ पर आपको साउथ इस कॉर्नर पर किचन देखने को मिल जाता है। किचन पूरा एल शेप किचन दिया गया है, मॉड्यूलर करवा सकते हैं। बड़ा सा स्टोरेज स्पेस आपको यहाँ पर किचन के नीचे देखने को मिल जाता है। पूरी सैनिटरी फिटिंग्स वगैरह आपको कंप्लीट देखने को मिलती है। पावर प्लग वगैरह का प्रोविजन यहाँ पर आपको दिया गया है। किचन के अगर वेस्ट पार्ट पर देखा जाए तो आपको बड़ी सी वार्डरोब का स्पेस मिल जाता है। बहुत अच्छा स्टोरेज स्पेस मिलता है। आप किचन से वापस हॉल के अंदर एंट्री करते हैं, यहाँ पर आपको एक बड़ी सी साइज का शानदार मास्टर बेडरूम देखने को मिलता है। बेडरूम के साथ में आपको अटैच लाइट बाथ देखने को मिल जाता है। साथ में ओटीएस आपको इसी मास्टर बेडरूम के पीछे मिल जाता है। दूसरे बेडरूम से भी यहाँ पर विंडो दी गई है। ऊपर बहुत अच्छे साइज का ओटीएस देखने को मिलता है। वॉशिंग मशीन के लिए पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाता है। टैप वगैरह का प्रोविजन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बड़ी साइज का रूम है, शानदार प्लॉट साइज में। फिर से आपको बताता चलो, 980 स्क्वायर फीट का प्लॉट साइज है, लगभग 1000 स्क्वायर फीट का है, लोनेबल मकान है। आप इस मास्टर बेडरूम से जैसे ही बाहर आएंगे, अगेन आपको अनदर बेडरूम देखने को मिलता है। हॉल से अगेन एक गैलरी का पैसेज दिया गया है। यहाँ से आपको एक इंडियन टॉयलेट का प्रोविजन दिया गया है। हॉल के साथ में इसका एक्सेस है, आपको इंडियन टॉयलेट मिल जाता है। इंडियन टॉयलेट के ऊपर आपको ओटीएस वगैरह का प्रोविजन मिल जाता है। यहाँ पे एक छोटा सा गैलरी का पैसेज दिया गया है। गैलरी पैसेज के थ्रू आप एक अनदर बेडरूम के अंदर एंट्री करते हैं। बेडरूम का साइज भी बहुत अच्छा रखा गया है। सामने आपको वार्डरोब का स्पेस दिया गया है, पीछे आपको डिस्प्ले का वार्डरोब दिया गया है। जो ओटीएस हमने पहले देखा था, ओटीएस के साथ में यहाँ पर आपको विंडो दी गई है और सामने ऊपर की तरफ यहाँ पर बड़ा सा स्टोरेज स्पेस दिया गया है। ये अनदर बेडरूम है। अनदर बेडरूम में भी आपको स्टोरेज का बहुत अच्छा स्पेस दिया गया है। यहाँ पर आपको वार्डरोब का स्पेस दिया गया है, ऊपर एक्स्ट्रा स्टोरेज का स्पेस दिया गया है। अगर टीवी वगैरह के पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी के साथ में टीवी का पॉइंट देखने को मिल जाता है। ये मकान 980 स्क्वायर फीट का मकान है। इस मकान की फर्दर डिटेल्स अगर आप जानना चाहते हो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमें कॉल कर सकते हो। इस मकान की और ज्यादा डिटेल्स अगर आप जानना चाहते हो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जो कि है 9119119798। इस मकान की साइट विजिट बुक करना चाहते हो तो हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नए नए मकानों के अपडेट्स जो भी उदयपुर के अंदर प्रॉपर्टी मार्केट में चेंजेस हो रहे हैं वो सब कुछ सबसे पहले आपको मिलते रहे। याद दिलाता चलो कि जो भी मकान जो भी प्रॉपर्टी आप उदयपुर प्रॉपर्टी ग्रुप के थ्रू बुक करते हो तो उनमें से किसी भी मकान पर किसी भी प्रॉपर्टी पर किसी प्रकार का आपसे कोई भी कमीशन चार्ज नहीं किया जाता। इस मकान की डिटेल वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में भी शेयर करें। हो सकता है कि किसी का सपनों का आशियाना आपका एक शेयर की वजह से कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बींग विद अस, स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग उदयपुर प्रॉपर्टी ग्रुप।